फ्रेंड्स, वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकत परवीन खान एंड आई एम बैक विद फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी जो सीजीपीएसई एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पॉलिटी एफटीआर का सेशन विद द क्वेश्चन नंबर वन। आज का क्वेश्चन नंबर वन है, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सही है, विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आपके चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको पूछा है कि इसमें से कौन से करेक्ट हैं। पहला है कि केंद्र से इसका एकात्मक संबंध है। दूसरा, इन्हें कोई स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है, इन्हें ऑटोनमी नहीं होती है। तीसरा है, कार्यपालिका का प्रमुख केवल राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। और चौथा है, ये सीधे तौर पर केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। ऑप्शन में आपके केवल एक और दो, एक दो और चार और उपरोक्त सभी दिए गए हैं। क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा सी, 1, 2 एंड 4। मतलब जो इसका स्टेटमेंट 3 है कि इसका एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो गवर्नर के नाम से जाना जाता है, बस ये रॉन्ग है। बाकी जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो राइट है। देखिए, यूनियन टेरिटरी का ये टॉपिक हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अस्तित्व में आने के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है और ये आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि इन पर से कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन लाना एक बहाना था। एक दो चीज़ें जो दो क्वेश्चन मैं आपको यूनियन टेरिटरी पर से आज बताऊँगी, लेकिन उसके ज़रिए मैं एक दो चीज़ें आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर का वो विशेष दर्जा भंग करके उसे बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस तरह से 7 की जगह अब वर्तमान में अनुच्छेद 1 के तहत 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, पहले की 7 एंड न्यूली फॉर्म्ड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, भाई अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत में जो क्षेत्र होंगे वो 3 तरीके से होंगे, स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज होंगे और अक्वायर्ड एरियाज होंगे, मतलब राज्य क्षेत्र होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे और जो भारत किसी और एरिया को अपने अधीन एक्वायर करता है वो होगा। तो यूनियन टेरिटरी के बारे में अनुच्छेद 1 से काफ़ी कुछ हमें क्लियर होता है। तो यूनियन टेरिटरी का मतलब भारत में किसी दृष्टि से कुछ ऐसे एरियाज रख दिए गए हैं जहां पर सीधा सीधा नियंत्रण केंद्र का होता है। नाम से समझ में आता है, केंद्र शासित। तो क्योंकि भारत में हम जानते हैं कि भारत एक संघात्मक ढांचा है, तो वहाँ पर केंद्र और राज्यों में शक्तियाँ बटी हुई रहती है। मतलब जो प्रशासन होता है वो दो स्तर पर होता है, केंद्र और राज्य, नॉर्मल ये ढांचा होता है। पर यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वहाँ पर राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं होता, वहाँ पर जो पूरा प्रशासन होता है वो बिल्कुल एकात्मक तरीके से ही केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेंटर में जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी। वहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, वो अलग अलग हो सकता है कि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से, कोई प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कोई सामरिक, कोई अलग अलग डाइवर्सिटी की वजह से यूनियन टेरिटरीज बनाएगा। अब यूनियन टेरिटरीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनियन टेरिटरीज को बनाने के पीछे अलग अलग वजह है। क्यों चंडीगढ़ बनाया गया, क्यों दिल्ली को दर्जा दिया गया, क्यों अंडमान और क्यों आपका लक्षद्वीप और दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इन सब को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के पीछे 3-4 अलग अलग कारण है। उसकी अभी मैं व्याख्या डिटेल में नहीं कर रही। बताने का मकसद ये है कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत की सीमाओं के अंतर्गत जहाँ पे कोई राज्य सरकार नहीं होती है, होती है तो वो इसलिए होती है कि उसे अर्धराज्य का दर्जा भी मिला हुआ है। जैसे वर्तमान में 9 में अगर आप देखें तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों ही जगह पे विधानमंडल होगा आपका, तो वहाँ पे राज्य सरकार होगी, अर्धराज्य का दर्जा है, मतलब ये कह सकते हैं आप कि वहाँ पे विधानमंडल है, वहाँ पे सरकार होगी, तो आधी चीज़ें वहाँ पे राज्य सरकार हैंडल करेगी, आधी चीज़ें सेंटर गवर्न करेगी। पर जितना भी हिस्सा सेंट्रल गवर्न करती है उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। बोलने का मकसद ये कि यूनियन टेरिटरीज़ एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ केंद्र का नियंत्रण होता है, उनको खुद की ऑटोनॉमी नहीं होती है और फेडरलिज्म के अगेंस्ट केंद्र और राज्यों के बीच या केंद्र और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में एक तरह का एकात्मक संबंध होता है। मैंने अभी जो भी एक्सप्लेनेशन में कहा, आप देख सकते हैं आपके ऑप्शंस में इन्हीं में से कुछ चीज़ें दी गई होंगी। पहला जैसे लिखा है कि यूनिटरी रिलेशनशिप विद द सेंटर, बिल्कुल सही। एकात्मक संबंध का मतलब होता है जहाँ पर पूरी तरह से नियंत्रण केंद्र के हाथों में हो, उस छोटे एरिया का कोई अस्तित्व या ऑटोनॉमी ना हो, तो यूनिटरी रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, इट डू नॉट हैव एनी ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही, क्योंकि केंद्र द्वारा नियंत्रण है तो स्वायत्तता नहीं होगी, अपने डिसीजन लेने के लिए उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी, अनलेस एंड अंटिल उसका कुछ हिस्सा राज्य सरकार द्वारा गवर्न होता है।
तीसरा है द एग्जीक्यूटिव हेड इज़ ओनली, और चौथा हम ले लेते हैं, फिर थर्ड क्यों गलत है उसको देखेंगे। फोर्थ है दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंटर, जो कि पहला स्टेटमेंट है उसी की व्याख्या आपका स्टेटमेंट नंबर फोर है। यूनिटी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है वो। तो फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है और फोर्थ सही है। थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे वर्तमान में भी जो 9 यूनियन टेरिटरीज भारत में हैं, उनके जो प्रशासक हैं, इसमें ये प्रावधान है कि जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो पहली बात तो हेड ऑफ़ द स्टेट, जैसे नॉर्मल स्टेट में गवर्नर वगैरह होते हैं वैसे नहीं होते। वहाँ के जो प्रशासक होते हैं वो सीधा सीधा राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्ट कंट्रोलर होता है यूनियन टेरिटरीज का। अब वो प्रेसिडेंट जो है वहाँ के प्रशासकों को कुछ भी उपनाम, उस पद को कुछ भी उपनाम दे सकता है। वो गवर्नर भी हो सकता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है, वो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, मतलब वो नाम राज्यपाल भी हो सकता है पद का, उपराज्यपाल भी हो सकता है और प्रशासक भी हो सकता है। अगर आप अभी देखें, वर्तमान की स्थिति देखें, तो जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें 5 ऐसी हैं जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। यहाँ के जो आपके प्रशासक हैं उनका उपनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यहाँ के जो हेड्स हुआ करते हैं, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, उन्हें हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानते हैं। और बाकी के जो हैं, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, इन चारों के जो हेड्स हैं इन्हें हम प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो 5 जगह के हेड्स को आपने कह दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 जगह के हेड्स को आपने कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर। ये हेड ऑफ द स्टेट नहीं कहलाते, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के सीधा सीधा प्रतिनिधि कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं वो प्रशासकों की पदों के नाम सिर्फ गवर्नर नहीं हो सकता, गवर्नर भी हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है और प्रशासक भी। इस वजह से आपका स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग है, द एग्जीक्यूटिव हेड इज़ ओनली कॉल्ड नेम बाय गवर्नर, दिस इज़ रॉन्ग। देखिए, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रहा है, बट द थिंग इज़ आप इसमें ये समझें कि मैं एक क्वेश्चन के पीछे आपको उसके पीछे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ और उतनी इन्फॉर्मेशन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं। क्वेश्चन देना एक बहाना भी है ताकि आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो आप नॉर्मल क्लास में डील नहीं करते हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ में क्वेश्चन से रिलेट करके मैं आपको बता दूं। ठीक है, बाकी जो यूजुअल टॉपिक्स आपके हैं, देखिए आप जानते हैं कई ऐसे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक्स के लिए रिक्वेस्ट हो रही है कि ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी ने एक हाल फिलहाल में एक नया इनिशिएटिव लिया हुआ है मोबाइल कोर्स का। ठीक है, आपको जितने भी सब्जेक्ट CGPSC प्रॉब्लम्स के होते हैं उन सभी की पूरे पूरे प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड डेटा कंटेंट सिलेबस एनालिटिकल वे में आपको मोबाइल कोर्स में अवेलेबल करवाया गया है। आप चाहें तो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की वेबसाइट विजिट करके मोबाइल कोर्स के डेमो वीडियोस देख सकते हैं और आप उसमें परचेज कर सकते हैं। तो जो भी यूजुअल टॉपिक्स होते हैं जो CGPSC प्रीलिम्स में आपके आते हैं वो सब उसमें कवर्ड हैं, आप उसे परचेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? विद दैट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दिल्ली के संबंध में कौन से विशेष उपबंध सही नहीं है। अगेन, ये दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी और सेमी स्टेटहुड भी मिला हुआ है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, सही नहीं हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका, 69th संशोधन के में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त है। फिर दिया है ये राज्यपाल, यहाँ का राज्यपाल प्रमुख प्रशासक होता है। दिल्ली विधानसभा 70 सदस्य है और आपके कोड्स में ऑप्शन ए में 1 है, बी में 1 और 2 है, सी में 1, 2 और 3 है, डी में नन ऑफ द अबव है। अगेन, द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द टॉपिक यूनियन टेरिटरी। मेरे ख्याल से अभी अभी मैंने क्वेश्चन 1 में जो चीज़ें बताई हैं उनसे आपको इसका आंसर भी कुछ थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा। क्या होगा इसका आंसर? यस, आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, पर थर्ड स्टेटमेंट सही है। देखिए, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू दिल्ली अकॉर्डिंग टू द 69th अमेंडमेंट। ठीक है, तो पहला दो स्टेटमेंट क्यों गलत है ये देखिए। 69th अमेंडमेंट बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली से संबंधित है, लेकिन वो सन 1990 में नहीं, सन 1991 में हुआ, 1991 में 69th अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, 69th अमेंडमेंट 1991 में हुआ।
और ये जो संशोधन है इसके ज़रिए दिल्ली को NCR नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया, जिसके ज़रिए 70 सदस्य विधानसभा और 7 सदस्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 69th अमेंडमेंट के ज़रिए दिल्ली को विशेष दर्जा मिला, वो सही है। NCR का दर्जा मिला, वो सही है। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी 70 मेंबर्ड और 7 मेंबर की वहाँ पे मंत्रिमंडल बनाया गया है, ये सही है। तो जो स्टेटमेंट गलत है वो ये है कि 90 में नहीं 91 में बना, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ रॉन्ग। दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि गवर्नर इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, और अभी हमने कहा कि वहाँ का जो हेड होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाना जाता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। जबकि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद दिस अमेंडमेंट है कि वहाँ पर एक 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है। सो द स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है करेक्टली मैच्ड इज, आपको सुमेलित कुछ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, और यहाँ पर कुछ आपके नंबर्स दिए हुए हैं और सामने वित्त आयोग के अध्यक्षों के बारे में दिया गया है। यस, जो फाइनेंस कमीशन है, कौन से नंबर की फाइनेंस कमीशन है और उसके कौन से अध्यक्ष रहे, उसके मैच द फॉलोइंग है और आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक, तो आप जैसे ऑप्शंस रीड कर ही सकते हैं, फर्स्ट के सी नियोगी, सेकेंड के सांथनम, थर्ड ए के चंदा, 12th सी रंगराजन, 5th 13वीं जो है वह विजय केलकर और 14वीं YV रेड्डी। ये आपको 6 ऑप्शंस दिए गए हैं और कौन कौन से नंबर के फाइनेंस कमिश्नर और कमीशन मैच्ड है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसमें से जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो करेक्टली ही मैच्ड हैं आपके। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें जितने नंबर की फाइनेंस कमीशन दी हुई है उसके सामने जो अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं वो बिल्कुल सही करेक्टली मैच्ड है। अगेन द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम, देखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना, क्वेश्चन इज़ फ्रॉम आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, इसका जिक्र पहले भी किया है मैंने, वित्त आयोग का जिक्र, फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया है। ये 280 के तहत पार्ट 12 में एक ऐसा आयोग दिया गया है जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो कर होते हैं उनके जो प्रोसीड्स आते हैं उनके पैसों का बंटवारा करता है। तो अब तक के भारत में 15 वित्त आयोग बन चुके हैं, उनमें आपको जो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं उनके नाम याद करने रहते हैं। आप जानते होंगे कि हाल फिलहाल में 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन बना जिसका ऑपरेशनल पीरियड 2020 से 25 के बीच में है, और हम सभी जानते हैं कि 2017 का ये 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो है NK सिंह। ठीक है, तो आपको रीसेंट वाला तो याद रखना ही है, बाकी आप ये भी कोशिश करिए कि जो पूरे के पूरे 15 फाइनेंस कमीशन है उसके फाइनेंस कमिश्नर्स के नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट दिया है KC नियोगी से लेकर 15th NK सिंह तक, ट्राई टू लाइक आप सारे पूरे के पूरे 15 फाइनेंस कमिश्नर्स के नाम याद रखने की कोशिश करिए। पूरी तरह से एक फैक्चुअल पार्ट है, इसमें कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, बट आपको ये याद रखना चाहिए जैसे आप प्रेसिडेंट, स्पीकर्स, वाइस प्रेसिडेंट के नाम याद रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लास्ट वाला, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी करेक्टली मैच्ड हैं। लिस्ट याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। Is that okay? ठीक है, तो let us now move on quickly to the question number 4. So आपका अगला question है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त एवं वर्ष का सही मेल कीजिए, मतलब आपका क्लासिकल लैंग्वेज दी गई है और उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस वर्ष मिला, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और आपको अगेन कुछ मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं, तमिल 2004, तेलुगु 2008, संस्कृत 2005, उड़िया 2014। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा मिला है उसके सामने जो वर्ष लिखे हैं क्या वो करेक्टली मैच्ड हैं कि नहीं है, कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं। तो आपके ऑप्शंस में कुछ कोट दिए गए हैं, कुछ कोट्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, या ऑल ऑफ द अबव, कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सारे के सारे जो हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस और उनके सामने जो वर्ष दिया है उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने वाला वो वर्ष बिल्कुल सही है। देखिए, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे है। देखिए, एक्चुअली इसका ओरिजिन ही आपके जो पार्ट 17 है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ से होता है। आप सभी जानते हैं कि राजभाषा वाला जो आपका भाग है उसका अनुच्छेद 343
हिंदी को जो है राजभाषा के तौर पर एक्सेप्ट करता है, और साथ ही साथ ऐसा है कि 343 और 351 जो है वो संस्कृत को एक विशेष दर्जा देने की बात करता है। ठीक, तो संस्कृत को विशेष दर्जा देता है अकॉर्डिंग टू 343 एंड 351। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं तमिल एकेडमिशियंस जो हैं उन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि भारत की जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनको भी कोई विशेष दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनका लिटरेचर काफ़ी पुराना है, एक हेरिटेज के तौर पर, विरासत के तौर पर पीढ़ियों से फॉलो किया जा रहा है, उनकी ओरिजिनलिटी की बात हो रही है। तो उस मुहिम के तहत धीरे से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिसाइड किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, कि इंडिया की कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जिनका पेरेंटल ओरिजिन इंडिया से ही है, जिनका साहित्य ओरिजिनल है, पीढ़ियों से एक विरासत के तौर पर पास ऑन हो रहा है और वो कहीं से बोरो नहीं किया गया है, ऐसी भाषाओं को क्लासिकल भाषा या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो वर्तमान में उस हिसाब से 6 जो हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से ये जो 4 हैं, मतलब अगर मैं लाइन से लिखूं तो इसमें सबसे पहले आती है तमिल, 2004 में इसे मिला दर्जा। उसके बाद आती है संस्कृत, ठीक है, इसे जो दर्जा मिला 2005 में मिला। उसके बाद आता है तेलुगु, इसे 2008 में। उसके बाद आता है कन्नड़, इसे भी 2008 में दर्जा मिला। उसके बाद आता है मलयालम, इसे 2013 में। और उसके बाद ओडिया, इसे 2014 में। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2004, 5, 8 में 2, 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया, ये 6 भाषाएं हैं जिसे वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, जिसकी ओरिजिनल टेक्स्ट लिटरेचर को और मान्यता दी गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। ठीक है, तो डू रिमेम्बर, और क्वेश्चन यहीं से है तो बिल्कुल आप ऑप्शंस देख सकते हैं, चाहे तमिल हो, तेलुगु, संस्कृत हो, ओडिया हो, उसके सामने जो ईयर है वो इसी लिस्ट में से और वो करेक्टली मैच है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, विद दिस लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में सत्य कथन है, मतलब ये आपका क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से, और आपको पूछा गया है कि इनमें से जो दिए गए स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है आपका ये गैर संवैधानिक निकाय है, दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है, तीसरा है प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शंस दिए गए हैं, आई वोंट बी रीडिंग इट आउट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा B, 2 and 3, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट कि ये 338 में दिया गया, और थर्ड स्टेटमेंट कि अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है, ये सही है। और जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये गलत है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों को एक दूसरे को अपोज करता है। अगर ये गैर संवैधानिक निकाय है तो किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख हो ही नहीं सकता, और किसी अनुच्छेद में उल्लेख है तो ये गैर संवैधानिक निकाय हो ही नहीं सकता। तो देखिए, जैसे कि अभी मैंने कहा, ये क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, मतलब कुछ विशेष जो वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान से संबंधित है, और उसके आर्टिकल 338 से संबंधित है। नेशनल कमीशन फॉर SC, भारत में जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए जो भी लीगल सेफगार्ड्स दिए गए हैं, उन पर मॉनिटर करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए अनुच्छेद 338 के तहत ये नेशनल कमीशन फॉर SC बनाया गया। और इसमें कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो और ये जो कमीशन होता है वार्षिक रिपोर्ट अपनी तैयार करता है, और लास्ट में प्रेसिडेंट को ये कमीशन रिपोर्ट सौंपता है कि साल भर जो मॉनिटरिंग हुई उसका क्या नतीजा निकला। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि 338 में पार्ट 16 में NCSC के बारे में दिया गया है, तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन सेकेंड है वो सही है, और क्योंकि एक एनुअल रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपता है तो ऑप्शन 3 भी सही है, पर सरासर ऑप्शन 1 जो है वो गलत है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, CAG द्वारा लेखा परीक्षा किया जाता है केवल केंद्र आय व्यय का, मतलब सिर्फ सेंटर के इनकम और एक्सपेंडिचर का, केवल राज्यों के आय व्यय का, ऑडिट्स ओनली रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट, केंद्र एवं राज्यों के आय व्यय का, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, फिर आपको कोड दिए गए ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर?
यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली थ्री. मतलब आउट ऑफ द गिवन थ्री स्टेटमेंट्स, जो सिर्फ थर्ड वाला स्टेटमेंट है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र एवं राज्यों के आय व्यय, ये इसका करेक्ट आंसर है. तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च जो लेखा अधिकारी होता है, सीएजी, जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, जिसका अनुच्छेद 148 में विवरण है, उसकी ड्यूटी और पावर से ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो ऑडिटिंग करता है, जो कंट्रोलिंग कर रहा है, वो किन के आय और व्यय का कर रहा है. तो इसमें खासतौर पर ये क्वेश्चंस रिलेटेड मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि केंद्र के आय व्यय के लिए कैग है और राज्यों के लिए कोई और पद संविधान ने सृजित किया है. सीएजी की जो ड्यूटी है वो ना केवल केंद्र बल्कि राज्यों के निधियों पर भी विस्तारित है. इट ऑडिट्स द रिपोर्ट, इट मेक्स एन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ नॉट ओनली सेंटर बट ऑल्सो दैट ऑफ स्टेट. केंद्र और राज्यों के जो भी आपके पब्लिक अकाउंट्स हैं, जो भी आपके कंटिजेंसी फंड है, जो कि आपकी कंसोलिडेट फंड है, संचित निधि हुई, या आपका लोक लेखा हुआ, या आकस्मिकता निधि हुई, इन सब का जो लेखा जोखा है, जो ऑडिटिंग है, वो केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, वो कैग की ही फंक्शन के अंदर आता है, ड्यूटी के अंदर आता है. ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, जो लिखा है ना कि केवल राज्यों का आय व्यय, या उसमें लिखा हुआ है कि केवल केंद्र का आय व्यय, ये स्टेटमेंट गलत है. केंद्र और राज्य दोनों इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. Is that clear? Now let us now move on to the next question. So question number 7, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति जवाबदेही या जिम्मेदारी है अप्रत्यक्ष चुनावों के समय, प्रत्यक्ष, निरंतर और सामूहिक, या इनमें से कोई नहीं. तो इस तरह के भी क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहें, थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है. क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा सी, डायरेक्ट, कंटिन्यूअस एंड कलेक्टिव. तो देखिए, आप सब समझ ही चुके होंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, पूछा है ना प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की लोकसभा, तो हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 75 जो है वो क्लियरली ये कहता है, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस. पूरा जो पूरा आपका मंत्रिमंडल होता है, वो सामूहिक रूप से जो निम्न सदन होता है संसद का, उसकी ओर उत्तरदायी होता है. इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो भी वो एक्शन लेते हैं उसके लिए उन्हें जवाब देना होगा. हमने जो प्रश्नकाल की बात कभी पढ़ी है, जो आपका पार्लियामेंट्री टूल है प्रश्नकाल, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ही एक एग्जाम्पल है. क्योंकि भारत में उत्तरदायी सरकार है, इस वजह से प्रश्नकाल में सांसद जो कि लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, वो मंत्रियों से सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रियों को जवाब देना होता है. ठीक है, तो इसमें ध्यान ये रखें कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से होती है, डायरेक्टली ये वो लोकसभा की ओर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक, दूसरा है, ऐसा नहीं कि इलेक्शन के टाइम ही उन्हें अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ती है. ठीक है, इसमें याद रखिए, डायरेक्ट, कंटिन्यूस, यानी जब भी लोक प्रतिनिधियों को उनसे सवाल जवाब करना है वो कर सकते हैं, और हमेशा निरंतर तरीके से जब भी वो जो भी एक्शन लेते हैं उन्हें अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी लोकसभा की तरफ. और तीसरा है कलेक्टिव, इंडिविजुअली कोई भी मंत्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा लोकसभा की तरफ, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अलग है, लेकिन अगर कोई भी सरकार एक्शन लेती है तो सामूहिक रूप से सब के सब जो हैं वो लोकसभा की ओर उत्तरदायी होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती, इंडिविजुअल की नहीं. ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष, निरंतर और सामूहिक सही है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75. ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. सो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है अनुच्छेद 215 से संबंधित आर्टिकल जो 215 है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है. और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति. क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा बी, हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है, एक आर्टिकल दिया हुआ है जुडिशियरी से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित है वो आर्टिकल, और आपसे पूछा है कि उसमें क्या दिया है. ठीक है, तो लाइक बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, जो डायरेक्ट है, फैक्चुअल है, जो आपके थ्योरेटिकल है, जो फिलोसॉफिकल है, और जो कंसेप्चुअल है, पूरा पूरा आपका मिक्स बैग रहता है एक क्वेश्चन पेपर आपका. ठीक है, तो इसमें देखिए, आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ा अभी, 215 जो आपका आर्टिकल है
215 वो हाई कोर्ट को और 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, 215 हाई कोर्ट को और 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और हाई कोर्ट भी जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि यहाँ पे जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उन्हें एविडेंशरी पर्पस से रिकॉर्ड किया जाता है, सबूत के तौर पर इंडिया में उन्हें जब कहीं भी पेश किया जाएगा तो उन्हें मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यहाँ की कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड की जाती है और यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक होते हैं और एविडेंशरी पर्पस के होते हैं। सो आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को और 215 हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। एज सिंपल इज दैट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और लिखा है अरेंज द फॉलोइंग ऑफिस बेयरर्स बाय देयर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। मतलब वरीयता क्रम के हिसाब से इन अधिकारियों को आपको जमाना है, और भारत रत्न होल्डर्स हैं, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और भारत का महान्यायवादी हैं। और आपको अगेन कुछ कोड्स दिए हैं 1234, 2143, 2134 और 4213। क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा सी 2134। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन किससे है? टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। भारत में केंद्र और राज्य के अंदर जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनको कुछ रैंक और ऑर्डर दिया गया है, कुछ वरीयता से उसको उनके उनको क्रम में रखा गया है, जिस हिसाब से उनका रैंक, उनके प्रिविलेजेस, उनकी सैलरी, सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि रैंक 1 में आता है प्रेसिडेंट, रैंक 2 में आता है वाइस प्रेसिडेंट, जो रैंक 3 है उसमें आता है प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन। तो ऐसे आपको कहीं भी टेबल में 26 रैंक तक के रैंक्स मिल जाएंगे। आपको इसमें कम से कम टॉप 15 जो रैंक होल्डर्स हैं उनको पढ़ना है। याद रखें, एक ही रैंक में कई सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है? जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो चलो एक्सक्लूसिव हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे रैंक 4 है, रैंक 5 है, रैंक 6 है, अगर इनमें आप देखेंगे तो कई ऐसे रैंक्स हैं जिनमें आपका, मतलब चलो मैं कहूँ कि 7-8 तक भी एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन अगर आप खासतौर पे 10-11 के पास बाद जाएंगे तो उनमें एक ही रैंक में 3-4 लोग हैं। तो आपको इस तरह से कम टॉप 15 रैंक्स पढ़ने हैं, ठीक है? तो उन्हीं में से आपको ये ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें भारत रत्न होल्डर्स, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो उसी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से अगर हम देखें कि इनका क्रम क्या है, तो भारत रत्न होल्डर्स यानी जो फर्स्ट वाला है उनका रैंक है 7A, ठीक है? 7A, 7 के बाद 7A में आपका भारत रत्न वाले रखे गए, जो फर्स्ट वाला है। फिर सेकेंड वाला जो है आपका गवर्नर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, उनके राज्य के अंदर, तो उनका रैंक है 4। जो थर्ड वाला है जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक, उनका रैंक है 9। और फोर्थ वाला जो है अटॉर्नी जनरल, उसका रैंक है 11, ठीक है? तो जो आपके भारत रत्न होल्डर है 7A, गवर्नर का 4 है उनके राज्यों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसका रैंक है 9, और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का रैंक है 11। तो सबसे छोटा हुआ 2, ठीक है? मतलब हाईएस्ट अगर आप देखोगे कि वरीयता क्रम के हिसाब से, सब तो हाईएस्ट रैंक जो होता है वो गवर्नर का होगा, फिर आपका होगा 1 क्योंकि भारत रत्न 7A पे है, फिर आपका होगा 3 क्योंकि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपका 9th रैंक में है, फिर आपका होगा 4 मतलब अटॉर्नी जनरल जो कि 11th रैंक पर है। तो इस हिसाब से आपका जो कोड दिया हुआ है ना C2134, ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। तो याद रखिए, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें से टेबल ऑफ प्रेसिडेंस भी कम से कम टॉप 15 रैंक तक आप याद करने की कोशिश करें। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। सो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? और आपके ऑप्शन से 1858, 1861, 1892 और इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अगेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या संवैधानिक विकास से है, और आपको पूछा गया कि कौन से प्रावधान या कौन से आपके अधिनियम के तहत बजट पर डिस्कशन या डिबेट करने का अधिकार लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया था, ठीक है? क्या होगा इसका सही आंसर? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1892। देखिए, भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये पूरी तरह से जो न्यूली फॉर्म 1853 में जो आपकी विधान परिषद बनी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल बनी थी, उसकी शक्तियां और सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर पूरी तरह से फोकस था। मतलब 1892 के एक्ट में अगर आप सारे प्रावधान देखेंगे तो उन सभी में आपको मेनली फोकस ही लेजिस्लेचर पर ही मिलेगा, एग्जीक्यूटिव पे
उतना नहीं मिलेगा। तो विधायी जो परिषद बनी थी उसकी शक्तियाँ और सदस्यों की संख्या, खासतौर पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर इस पर बल दिया गया। शक्तियों में जो इजाफा दिया हुआ, या मैं कहूँ 1892 के जरिए शक्तियों में जो इजाफा हुआ, उसमें दो मेन चीज़ थी कि इसमें जो बजट बनाती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उस पर बहस करने की शक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दी गई थी। ठीक है, देखिए अभी जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, वो थोड़ा सा आप जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स में आपके एक्ट्स हैं ब्रिटिश एरा में, उन्हें पढ़ें, तब आप इस चीज़ को एक्नॉलेज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर जो लोग पढ़ चुके हैं वो डायरेक्टली रिलेट कर लेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में, जो 1853 में विधायी परिषद बनी थी, उसकी शक्तियों में इजाफा हुआ था। उन्हें पहले तो बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई और साथ ही साथ क्वेश्चंस पूछने की भी शक्ति दी गई थी। ठीक है, मतलब वो लोग एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब कर सकते थे जैसे अभी क्वेश्चन आर में होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11 क्विकली। सो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के विभिन्न भाग एवं उनके स्रोतों को सम्मिलित कीजिए। मतलब आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और वो हमारे संविधान में कहाँ से बोरो किए गए हैं उनको मैच करना है आपको। आप जानते हैं ना हमारा संविधान कई देशों से लिए गए प्रावधानों से मिलकर बना है, तो इसमें दिया गया कि कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए उन्हें करेक्टली मैच कीजिए। और न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, समवर्ती सूची और उसके सामने कैनेडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, ये ऑप्शंस दें। तो क्या होगा इसका आंसर? बहुत इजी है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के स्रोतों से ये सवाल है, अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको मैच करके सही आंसर देना है। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी, 1 का B, 2 का A, 3 का D और 4 का C, आंसर विल बी बी, करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ठीक, तो देखिए असल में क्या है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ से लिया गया है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की, भाई अगर कुछ भी न्यायपालिका मतलब कुछ भी अगर लॉ गलत पास होता है तो न्यायपालिका उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जांच सकती है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, इसलिए ऑप्शन बी अमेरिका इसका सही आंसर। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, भारत की जो संघीय प्रणाली है वो पूरी तरह से अमेरिका जैसे नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये कैनेडा के जैसे है जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, तो ये जो संघीय ढांचा है हमारा कहाँ से लिया गया है? कैनेडा से, तो ऑप्शन ए सही होगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरेट, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है आप स्रोत में पढ़ेंगे कि ये आयरलैंड से ली गई है, तो निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा वो भी आयरलैंड से लिया गया है, तो इस वजह से डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और उसके बाद होगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट, इन्हें समवर्ती सूची, हम जानते हैं कि जो शक्तियों का विभाजन है केंद्रीय, राज्य और समवर्ती, तीन तरह की सूचियां हैं, तो समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इस वजह से आपका फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी होगा, बी ए डी सी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, now let us move on to the last question of today's session, question number 12. आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा से संबंधित समितियों, उप समितियों एवं उनके अध्यक्षों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कमिटीज बनाई गई थी उस पर से है कि कौन सी कमेटी और उसके अध्यक्ष करेक्टली मैच्ड नहीं है पूछा है। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार पटेल, मौलिक अधिकार से संबंधित कमेटी जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक उपसमिति एच सी मुखर्जी और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? संविधान निर्मात्री सभा में उसे बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए जो समितियाँ बनाई गई थी उनमें कुछ अध्यक्ष थे और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अध्यक्ष और समिति करेक्टली मैच नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। मतलब नन ऑफ दीज का मतलब क्या है? नन ऑफ द ऑप्शन अबव आर इनकरेक्ट। अब पूछा है ना कि इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है, मतलब जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं ना वो सुमेलित है, तो इस वजह से आंसर होगा नन ऑफ दीज, मतलब इसमें ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं जो सुमेलित नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 मेंबर जो बनाई गई थी उसको जब कार्य के लिए विभाजित किया गया तो 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई, 15 माइनर कमिटीज़ बनाई गई, और उन 8 मेजर कमिटीज़ में भी खासतौर पर एक सलाहकार समिति थी फंडामेंटल राइट्स पर, माइनॉरिटीज़ पर और ट्राइबल वेलफेयर पर, उसके लिए उसके अंदर 4 उप समितियाँ भी रखी गई। तो आपको एक और फैक्चुअल वे में ये जो 8 प्रमुख समितियां थी, जो वृहद समितियां थी,
उनके नाम और उनके अध्यक्षों के नाम पढ़ने रहते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। जैसे अभी इसमें लिखा है प्रांतीय जो आपके संविधान समिति है उसके अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। ऐसी जो 8 वृहद समितियाँ थी और ख़ासतौर पर उसमें जो एक सलाहकार समिति थी जिसके अधीन 4 उप समितियाँ आएंगी, उनके अध्यक्षों के नाम याद करने हैं और उन्हीं में से ये सवाल पूछा है एक्चुअली। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें से सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल विद टुडेज 12 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी FTR। हम फिर कल मिलते हैं। आई विल बी बैक टुमारो विद फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट 8 AM शार्प। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।